देंगे। आदित्य हैव यू जॉइन सर? फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बोलिए बेटा। अभी क्लास चल रही है, अभी बाद में बात करेंगे। हम वही है क्रिकेटर वाले, अभी क्लास चल रही है। प्लीज थोड़ी देर में करें आप, डेढ़ घंटे बाद 12:15 पे करें। अभी हम आपको ब्लॉक नहीं कर सकते, आप 12:15 पे करें। बोलना क्रिकेटर वाले हैं आप, हम आपके फैन हैं। फैन बन जाएंगे तो फिर बिजली का बिल आएगा। क्रिकेटर वाले वो फैन है आपके? बोले आप क्रिकेटर वाले ही जैसवाल है ना, हमने कहा हाँ है तो हम वही। अच्छा वो है ना। तो बोल रहे हैं आप हमें फोटो भेज दो, ऑटोग्राफ भेज दो, कैसे भेज दें? अच्छा वो यशस्वी जैसे सर फूल सर एक और में भी आपका चलो ओके। बात तुम बहुत करती हो निष्ठा, जब भी आओगी बात ही जानते। ये फ्रांस की बात करती हो ज्यादा की जर्मनी की? हमारे पास कहाँ की बातें ज्यादा हैं? इंडिया में तो इतनी बात नहीं, पाकिस्तान की तो नहीं करती। चलो जो भी एसएसटी में उन सभी का फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो अब हम लोग जितना हो गया। हाँ बोलिए। अभी हम उसका बता देंगे कि वही 4-5 क्वेश्चन हैं जो मैथ्स के, जो थोड़े बहुत बाकी है ना लास्ट के, जो कवर नहीं किए गए हैं, तो उसका तुमने जो किया है तुमको उसके 20 रुपए मिलेंगे, जो 99.5 मार्क्स। चलो तो वो जो 4-5 क्वेश्चन है मैथ्स के लास्ट में कराए गए थे ना, वो भी आ जाएंगे। वो जो एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन नहीं थे और एक दो लास्ट के थे, वो भी क्वेश्चन। ओके अब हम लोग कुछ बुक के क्वेश्चन करते हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। जहां तक पढ़ लिया वहां तक के टेक्स्ट बुक का कवर कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का पीछे देखो। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। जो हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, आउटब्रेक, तो बास्टिल की जेल पर आक्रमण हुआ और बहुत सारा चीज हुआ कि नहीं, तो उसके क्या क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिससे फ्रांस में आंदोलन हुआ। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, विच लीडिंग टू द, अभी बता रहा हूं, पहले इसको लिखो फिर बताऊंगा। नाउ देयर आर द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस।
हाँ बोलिए। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस लेड आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस लेट आउटब्रेक आउटब्रेक का मतलब है आंदोलन होना आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन इन फ्रांस कौन कौन सी ऐसी सात परिस्थितियां थी तो पहली परिस्थिति थी कि दिस लुई 16 वाज ऑटोक्रेटिक रूलर अपनी मन मर्जी का शासन चलाता था तो लुई 16 वाज ऑटोक्रेटिक रूलर यानी मन मर्जी का शासन कोई उसको संविधान से मतलब नहीं था शासन एंड ऑटोक्रेटिक जैसे कुछ होता है राजा लोग बड़े नियम कानून से चलते हैं जैसे अकबर और एक है कि बड़े आराम से बैठा हुआ है अपने मुंह से जो निकल गया वही रूल है उसका क्रेसी का मतलब रूल ऑटो का मतलब जो मर्जी है और कई तो ऑटोक्रेसी का मतलब जिसकी जो मर्जी वो चला रहा है उस लुई 16 को ज्यादा मतलब ही नहीं अपने आप जैसे शासन चल रहा है वैसे चलने देना ऑटोक्रेसी में ज्यादा राजा इतना ज्यादा डल हो जाए कि वो चीजों को होल्ड भी ना कर सके तो उस चीज को क्या कहते हैं ऑटोक्रेसी जो दूसरे सामंत लोग हैं जो फ्यूड हैं फ्यूड का मतलब सामंत होता है जिनको राजा बैठाता है कहीं ना कहीं टेरिटरी देके फिर उनसे टैक्स लेता है वही तो फ्यूड होते हैं तो वो क्या करेगा कि राजा उनको दे देगा वो अपना जो ले रहे हैं जो अत्याचार कर रहे हैं ऑटोक्रेसी है ये वो अपने ही रूल नहीं मानता उसके राज घराने अपने मन चल राजा चल रहा सो ही वाज ए ऑटोक्रेटिक रूलर लीडिंग टू लग्जूरियस लाइफ और शान और शौकत का जीवन था लीडिंग टू लग्जूरियस लाइफ ठीक है अच्छा ही ऑल्सो लैड फार साइटेडनेस एक उसका और भी था क्या वो दूरदृष्टि रखता था ही लैड फार साइटेडनेस फार यानी दूरदृष्टि दूरदृष्टि का उसमें अभाव था दूसरी चीज नेक्स्ट ऑन हिज एक्सेशन जब वो गद्दी पर आरूढ़ हुआ एक्सेशन ना लिखना चाहो तो व्हेन ही वाज क्राउन्ड लिख देना तुम्हारे पास ऑप्शन है व्हेन ही वाज क्राउन्ड द रॉयल ट्रेजरी वाज एम्प्टी देन ऑल्सो ही कंटिन्यूड टू मेंटेन द एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसेस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल वर्साइल नदी थी वहां पर और उसी उसी के बगल में वर्साइल का महल था ठीक है जमा करना चाहते हैं लाइन कुछ लोगों के नाम हमने भेजे थे कल अब जिनकी कॉपी है वो जमा करते हैं ऑन हिज एक्सेशन ही वाज क्राउन्ड और ही वाज क्राउन्ड दोनों में से एक है तो क्या हुआ बताइए द रॉयल ट्रेजरी वाज एम्प्टी शाही खजाना खाली था रॉयल ट्रेजरी वाज एम्प्टी ठीक है एंड ही उसने क्या किया सो ही यूज्ड पब्लिक मनी टू मेंटेन गोल्डन पैलेस ऑफ वर्सलीस वो सोने जैसा महल था गोल्डन पैलेस ऑफ उसने पब्लिक का पैसा यूज कर लिया ठीक है आपने मेंड लिख दिया क्या मेंटेन को आपने मेंटेन को मेंड लिख दिया तीसरी चीज ही हैज टेकन वन लिबरे डेब्ट फ्रॉम मनी लेंडर्स टू फ्री
वो 1 मिलियन लिया था, 2 मिलियन का पहले से ही था, 3 हो गए, 13 ब्रिटिश कॉलोनी ऐसा हुआ है, उसको ठीक कर लेना। उसके ऊपर 3 मिलियन तक लिबरे का हो गया था, 1 मिलियन तब लिया, 2 मिलियन पहले से था, तो बुक में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सो फ्रांस वॉज ऑलरेडी इन डेब्ट ऑफ 2 बिलियन लिबरे। सो फ्रांस वॉज ऑलरेडी इन डेब्ट लिबरे। फैन चाहिए किसी को तो चला रहे, आप लोगों को पंखा चाहिए? यस सर। सो 2 बिलियन लिबरे ही हैज टेकन डेट ऑफ 1 बिलियन लिबरे13 अमेरिकन कॉलोनीज from British rule. तो उसने एक ये गलती की, पहला तो उसकी गलती ये थी कि वो बहुत extravagant था, ठीक है। तो दूसरी उसकी क्या गलती थी कि उसने पब्लिक मनी से फिर भी राजमहल को शान और शौकत को सजाए रखा, और तीसरी गलती उसने अमेरिकन कॉलोनी को छोड़ाया। चौथी चीज क्या थी? सो लॉन्ग ये भी बात सही है। सो दैट इज ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार्स द कॉस्ट ऑफ लाइव्स, यानी द प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज इन फ्रांस वर ऑलरेडी हाई ड्यू टू। और उस समय की जब बात है ना, जब मैं बात कर रहा हूँ कि जब 4 अगस्त को बास्टिल की जेल पर आक्रमण हुआ, उस समय सर्दी आ गई थी, 14 जुलाई को हुआ, तो 14 जुलाई को तो उस समय सर्दी आ जाती है यूरोप में, और उस समय सारी फसल, बहुत सारी फसल बर्बाद हो जाती है फ्रॉस्ट की वजह से, तो लोगों का खाने पीने का अकाल पड़ गया। Due to long years of war, ये भी ठीक बता रही हैं, long years of war, the prices of commodities were high and there was subsistence crisis। का क्या मतलब समझती हो हर्षिता? प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है तो जो इनके रेगुलर फ्रूड का ब्रेड था तो उसकी प्राइसेस भी हाई हो गई। नो सर। तो जो पब्लिक थी उन वो बताओ क्या कह रहे हो उनकी सर, जब हमारी बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ है वो एंडेंजर हो जाए। हाँ, यही है, जो बेसिक चीजें वही ना मिले उसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समझ आई बात? सो एंड देयर वाज क्या था बताइए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है खाने पीने की चीजों का अभाव, बहुत बेसिक चीजों का, खाने पीने की चीजों का अभाव हो गया था, ठीक है। वुमेन हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज इन फ्रंट ऑफ बेकरी, चीज थी द फ्रेंच सोसाइटी, जैसा कि हमने बताया
द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू थ्री स्टेट्स. सो थर्ड स्टेट पर्सन, थर्ड स्टेट पीपल थे वर पेइंग टैक्सेस व्हाइल फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट पर्सन सेकेंड और कौन सा एंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ. ठीक है, पब्लिक मनी इस्तेमाल करना अलग बात है. तो लुई 16 ने किया था पब्लिक मनी को वर्सलीज के महल को अच्छा रखने के लिए. लेकिन सेकंड स्टेट में केवल लुई 16 ही तो नहीं था, पूरे नॉबिलिटीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप था. तो वो लोग क्या पैसे को एंजॉय नहीं करते थे, तो वो लोग क्या टैक्सेस को एंजॉय नहीं करते थे, वो तो अलग चीज है ना, एक तरीके का सोशल डिविजन हो गया. ये तो लुई 16 करता था. तो फ्रांस ने क्या किया सेकंड पॉइंट में कि उसने वर्सलीज के महल को सोने चांदी से जड़ दिया, वो अलग बात है, लेकिन स्टेट का होना तो अलग बात है ना. तो इसलिए भाई फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पर्सन क्या करते थे बताइए. एंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ. स्टेट पर्सन एंजॉय प्रिविलेजेस. ठीक है, ये एंजॉय द टैक्स मनी एंड अदर बेनिफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ राइट, एज बेसिस ऑफ बर्थ राइट एंजॉय द टैक्स मनी. टैक्स मनी को वो एंजॉय करते थे एंड गेट टिथे एंड टैली. क्या क्या पाते थे वो टिथे एंड टैली. टैली टैली की स्पेलिंग बताइए जरा. टी ए आई एल एल टी ए आई है ना, चेक करो जरा सर. टी ए आई एल एल ई. तो वो टिथे एंड टैली को करते थे. ऑल्सो अदर benefits on basis of their birthright and other benefits भी उनको मिलते थे. राजा का बेटा राजा ही बन जाता था. benefit on इसी का तो जॉन लॉक रस्यू और मॉन्टेस्क्यू ने विरोध किया सर कि सर जो काम से उन्हें प्रिविलेज मिले थे बर्थ से. अगली चीज इसी पर एक और भी चीज हो गई, करेला ऊपर से नीम चढ़ा. राजा ने किंग कॉल्ड मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल टू इंक्रीज टैक्सेस सो इट एडेड फ्यूल इन फायर. आग में जिसने फ्यूल का काम किया. हाँ बोलो सर. इसमें एक और भी हो सकता है या तो बैड हार्वेस्ट और दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसोफर्स. सब चीजें बहुत अच्छी बात है, आप तो बिल्कुल सारे पॉइंट बता रही हो. सो ड्यू टू बैड हार्वेस्ट मोस्ट ऑफ द जो क्रॉप थी हैज गॉन वेस्ट, वो स्पॉइल्ड हो गई थी. ड्यू टू फ्रॉस्ट कौन सी चीज थी. ड्यू टू फ्रॉस्ट देयर वॉज बैड हार्वेस्ट. क्या वहां पाला पड़ गया था ठंडक की वजह से. तो देयर वॉज उस समय ठंडक होती वहां बैड हार्वेस्ट. और फिर क्या हुआ एंड पीपल आर नॉट गेटिंग ग्रेन्स. पीपल आर नॉट getting grains. और क्या बताया एक और चीज सुनने का बताया. सो जीन एक और चीज हो गई कि वो सबसे लास्ट में लिखेंगे. अब लिखो लुई 16 called the meeting of state general to increase taxes on people while the people were struggling for their basic needs. So लुई 16 called meeting of state general while किसके लिए बुलाई for increasing taxes. taxes to pay 3 billion leverage debt. to pay 3 billion ऑफ मनी लेंडर्स. ये
मनी लेंडर्स का पैसा उसने वापस करने के लिए मीटिंग बुलाई। हाउएवर द पीपल वर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फॉर देयर बेसिक नीड्स। सो जो वॉर में थे वो किससे वॉर में थे? कमोडिटीज बहुत हाई हो गई थी। देखो ये हमें चेक करना पड़ेगा। फ्रांस पहले कई देशों में तो लड़ाई होती रहती थी राजा राजा के, ऐसा हमेशा ही होता रहा। किससे किससे देखना पड़ेगा। और सो 40,000 लेटर्स का सर्च किया था। 40,000 ये ना? Yes, sir. सर बुक में भी लिखा है। 40 लिखा। तो वाइल अब जरा देखो कि क्या है। वाइल पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर बेसिक नीड्स। अब लास्ट पॉइंट देखो कि जॉन लॉक, रॉस्क्यू एंड मॉन्टेस्क्यू सेड दैट एवरीबडी इज इक्वल एंड नोबडी कैन गेट बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। क्या इससे लोगों ने अवेकन नहीं हुए? द फ्रेंच सोसाइटी वॉज अवेकन। उनमें अब एक तरीके का अवेकनिंग आ गया था कि नहीं? फ्रेंच सोसाइटी गॉट अवेकन्ड एज थिंकर्स एंड राइटर्स। बोलो ये बताओ कि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटी किसने लिखी? ट्रू प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटी ठीक है। जो privileges कैन नॉट बी गिवन ऑन बेसिस ऑफ बर्थ। क्या लोगों को सुविधाएं उनके जन्म के आधार पर मिलना चाहिए? कैन नॉट बी गिवन ऑन बेसिस ऑफ बर्थ एंड शुड बी गिवन। और कैसे दी जानी चाहिए? Should be given on basis of merit. Yes, sir. उनकी योग्यता के आधार पर हो। तो इस वजह से भी लोगों ये जॉन लॉक कंडेम्ड द बर्थ राइट इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्या बता रहे कौन सी बुक है? फॉर दिस मॉन्टेस्क्यू इन द सेपरेशन ऑफ पावर्स। जॉन लॉक written a book two treaties of government। government की दो संधियां। treaties का क्या मतलब होता है? समझौता। समझौता। और दूसरी कौन सी बुक थी? सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किसने लिखी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक रूसो। तो वाइल रूसो, रूसो ही कहा जाता है इनको। वाइल Rousseau wrote social contracts for it। इतनी बात है। अब जरा आप लोग इस कॉन्टेस्ट के लिए भी कुछ लिखा है? The spirit of laws। कौन से बुक है? Sir, the spirit of laws। जिसमें उन्होंने separation of power लिखी। Montesquieu wrote द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा। लॉ भी तो कुछ कहता है, उस
कानून क्या कहना चाहता है, क्या आप उसको मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर रहे हो? ऐसा भी कुछ लोग होते हैं वकील उसको उल्टा पढ़वा देते हैं। तो स्पिरिट, उसके अंदर थीम क्या है? थीम है कि गुनाहगार को सजा मिले और बेगुनाह बच जाए, यही तो स्पिरिट है। तो स्पिरिट ऑफ लॉ कहता है ऐसा नहीं है कि राजा शोषण कर लिए कोई लॉ रहता, तो इस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स इसने लिखी और स्पिरिट ऑफ लॉ, तीन चीजें पूछी जा रही हैं कि ये बताओ कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी किसने लिखा? तुम भटक रही हो, अपने मुद्दे से भटक रही हो। स्पिरिट ऑफ लॉज द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा? स्पिरिट ऑफ मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। खुद ही बता के फिर बताते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, आप दूसरे से पूछ लेंगे। स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा भी आ रहा है आपके पास? स्पिरिट ऑफ लॉ। अच्छा ये बताओ कि उस सीक्रेट वाली कौन सी होती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक ने बोलो क्या लिखा? कौन कौन थ्री राइटर्स थे और उन्हें क्या कह रहे थे? जॉन लॉक, कुछ लोग लॉकी भी बोलते हैं। वो कल जो वीडियो दिखा उसमें लॉकी बोला था, पढ़ लेना फिर से देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सामाजिक ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? सामाजिक ठेकेदारी, कानून की आत्मा। और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, संधियां, सरकार की दो संधियां, समझौता, सरकार के दो समझौते। और अभी आ रहे हैं, अब देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो सामाजिक ठेकेदारी, समाज की ठेकेदारी का राजाओं की है कि नहीं? ये बिल्कुल सही है अजीत, एक बात बता रही हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि राजा कॉन्ट्रैक्ट दे कि ये तुम्हारे लिए हम करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करो उतार दो उसको। राजा और सोसाइटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आई विल फुलफिल योर नीड्स, आई एम टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इट। अगर वो ना फुलफिल करें तो उसको उतार दो। और बताओ अदिति, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्या कहा गया? एक चीज बताई कि ये जो बताई गई, देखो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बताया गया कि राजा जो है वो भगवान का भेजा दूत नहीं है, दैट इज ही इज नॉट समवन सेंड बाय गॉड। समझ में आई बात कि नहीं? सो इट इज जो किंग है दैट शुड डू समथिंग, ठीक है, इफ इट ही इज एट द पोस्ट, इट इज नॉट कि हम उसे भगवान माने। और यहाँ पर बताया गया स्पिरिट ऑफ लॉ ये कहती है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, कि सब पावर को सर जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव में बांट देना चाहिए, बांट देना चाहिए, तो सेपरेशन। इतनी बात समझ में आ गई? इन्हीं चीजों के बारे में कहा गया। अब इस पर लिखिए, एक पेज पे आपको लिखना है, एक्स्ट्रा पेज नहीं लेना है जितने भी पॉइंट्स हैं। सो व्हाई, व्हाट वाज द रीजन ऑफ आउटब्रेक, ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, सात पॉइंट है लिखो। इससे ज्यादा पेज नहीं लेना है, इतने में नीचे लिखना है। दोनों
पहले एक बार पढ़ ले, पढ़ लो। सर एक पॉइंट छोड़ के बाकी सारे लिखो, सभी लिखो। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आता ही है। ये चार नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना लिखना पड़ता है। कहाँ तक लिखना है? सात पॉइंट पे इसी पेज पे तुम्हें लिखना है, जो भर दो इस पेज को। आठ नहीं, जी तक है। एच कौन सा पॉइंट है? थोड़ा थोड़ा लिख दो बस, पेज में जितना आ जाए उतना भरो। हम तो उसी में ही तुम्हारे छूट जाएंगे पॉइंट्स पूरे में। So what were the changes brought by National Assembly? उसको कौन कौन से changes लाए? इतना देखें। एक मिनट। So question है, what were the changes brought by नेशनल असेंबली? राष्ट्रीय सभा क्या क्या परिवर्तन लेकर आई? एंड व्हाई इट वाज फेल्ड, और ये विफल क्यों हो गई? इट वाज फेल्ड। तो अब कुछ अच्छे भी काम इसने किए। तो द पावर ऑफ लुई 16 वाज रिड्यूस्ड, ही वाज ए किंग ऑफ नेम शेप। तो पावर ऑफ सर ड्यूरिंग नेशनल असेंबली 16 फ्रांस वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ही वाज किंग, ही वाज नाउ किंग। और वो कैसा था राजा? क्या नाम मात्र का? ऑफ नेम शेप, नाम मात्र का राजा रह गया। बस उसको सम्मान तो था, जैसे ब्रिटेन में आजकल राजा है उसको अधिकार तो नहीं है। ठीक है सर, राजा ने खत्म कर दी थी फ्यूडल सिस्टम, ये राजा ने नहीं, नेशनल असेंबली। बिकॉज ऑफ नेशनल असेंबली फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो ऑन 4 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली कॉन्फिस्केटेड, इसने क्या किया? इसने खत्म कर दी थी एंडेड फ्यूडल सिस्टम, एंडेड फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी प्रथा। राजा अपने सामंत बनाता था, तो इसने सामंतवादी प्रथा का अंत कर दिया। तीसरी चीज, ही हैज कन्फिस्केटेड द लैंड ऑफ, ठीक है, द बर्थ राइट बेस्ड ऑन, ये जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ राइट वर अंडर, तो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ राइट वर टेकन बाय, ले लिए गए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज,
or the land given to church was confiscated. Land given to church. चर्च को दी गई जमीन वापस ले ली गई. Was confiscated. सही कह रही हो. जो टिथ वाज है. टिथ वाज बैंड. हाँ. और abolished. Was abolished. ये सारे उसने काम कर दिए. अब आगे देखो. However, National Assembly was failed due to the following reason. As many times king uses veto power and disobey National Assembly. As many times king used veto power and disobey National Assembly. National Assembly had members of landowners, so it was not concerned about welfare of lower and middle class people of third estate. ये सिर्फ अपर क्लास का ही देखती थी और छोटे क्लास जो है ना थर्ड स्टेट और भी तो थे. बिना जमीन के भी तो लोग थे, शिल्पी भी थे, ये सब का कहा देखती थी, लेबर का देखती थी क्या. सो नेशनल असेंबली में कौन कौन लोग थे? एरिस्टोक्रेट पीपल ऑफ थर्ड स्टेट. बिल्कुल एरिस्टोक्रेट पीपल जो एक्टिव सिटीजन थे उन्हीं का देखती थी बस. कंसिस्ट ऑफ अपर क्लास पीपल ऑफ थर्ड स्टेट विच वर रिच पीपल. या अनिल ने जैसा कि देवांश ने बताया विच वर रिच पीपल. ये धनी लोगों का था. इट वॉज नॉट इट हैड नेवर seen welfare of poor people of third estate और तीसरी बात due to prolonged war. लंबा वार चला था ना जर्मनी या प्रूसिया. इसने किसके साथ वार किया था? प्रूसिया के साथ किया था. ऑस्ट्रिया के साथ भी किया होगा. बुक में तो प्रूसिया ही लिखा है. ऑस्ट्रिया लिखा है. ऑस्ट्रिया के साथ भी किया था. कब किया था? चलो जो भी हो. सो नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट प्रूसिया. फेल्ड ना. कन्फिस्केटेड जब्त कर ली गई. कन्फिस्केटेड का क्या मतलब होता है? जब्त कर लेना. जैसे मैं तुमसे कहूं कि अपनी सारी चॉकलेट जो तुम बर्थडे में बांटने वाली वो मेरे हवाले कर, तो इसको कहेंगे जब्त कर लेना. कन्फिस्केटेड. और अब तीसरी चीज क्या है? नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड, क्योंकि वहां सीक्रेट मीटिंग हुई थी ना ऑस्ट्रिया प्रूसिया के साथ, तो उन्हीं के खिलाफ इसने वार कर दिया. सो नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया की तो वो रानी ही थी हैब्सबर्ग एम्पायर की, ऑस्ट्रिया की. एंड प्रूशिया. प्रूशिया में हिटलर राज हुआ, उसी का नाम जर्मनी है. सो द लिविंग कॉस्ट ऑफ इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज इन फ्रांस. फ्रांस के लोग फिर चाहने लगे, द फ्रेंच पीपल वॉन्टेड द
एंड ऑफ वार, वो चाहते थे नेशनल असेंबली कहाँ झंझट में पड़ गई। तो फ्रेंच, इसीलिए अब आगे आने वाला कन्वेंशन। सो फ्रेंच एंड फ्रेंच पीपल वांटेड, पहले तो उन्होंने बड़े जोर शोर के साथ मर्सिलिया के गीत गाते हुए उसमें ज्वाइन किया, बाद में फ्रांस का राष्ट्रीय गीत भी बन गया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा ये वार बेकार। एंड फ्रेंच पीपल वांटेड टू एंड वार। अब जरा देखो ये नेशनल असेंबली कैसे गई और कन्वेंशन कैसे आया, यही संबंध के कारण बने, अपन ये चल नहीं पाएगी। नेशनल असेंबली ने 1789 में वहां कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, संविधान बना दिया कि नहीं? अब जरा देखिए, तो व्हाट वर द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय नेशनल असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने 1891 में बनाया, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, अब ये देखो नेशनल असेंबली के कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं, ये खुद बनी है, कब बनी बताओ, कब वहां पे मीटिंग हुई है? 20 जून में हुई है, 20 जून को मीटिंग हुई, तो 20 जून 1789 को मीटिंग हुई, ठीक है, और 4 जुलाई को नेशनल असेंबली पावर में आ गई, 4 अगस्त है, तो 4 अगस्त 1789 को That is constitutional monarchy आ गई। और फिर देखो अगली टाइमलाइन, इसको नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, इस दिन क्या हुआ है, नेशनल असेंबली फॉर्म, इसका गठन हुआ और ये अपने उद्देश्य में सफल हो गई। और जरा अगली बात ध्यान दीजिए कि 1789 में इसने अपना संविधान बना लिया, आपकी बुक में डेट भी होगी, हमें बता देना कहीं मिल जाए, टाइमलाइन पे देखो मिल जाएगा। तो 1791 दो साल बाद, तो 1791 मुझे लगता है सितंबर लिखा है, देख के बता देना। सो कॉन्स्टिट्यूशन वाज में दो साल इसने लिए यहां से यहां संविधान, और सितंबर 1792 ये एबॉलिश भी हो गई, इतनी इसकी काम एबॉलिश हो गई नेशनल असेंबली, लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। अब आगे वो देखें, यहां तक इतनी कहानी तो पड़ी है, मतलब इतनी तो कुल कहानी है नेशनल असेंबली की, राष्ट्रीय सभा, उसका रीजन यहां दिया है, एक तो बार इसने डिक्लेयर कर दिया, अमीरों की सभा थी। अब हम जैकोबिन क्लब का उदय देखेंगे, जब इतना सब इसमें कमी क्यों हुई है नेशनल असेंबली चलता नहीं, तो नेशनल असेंबली की कहानी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक सवाल हम और देखेंगे कि भाई इसने जो संविधान बनाया 91 में उसकी खास बात क्या थी, क्या इसने बना डाला संविधान। सो व्हाट वर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, What were the features of constitution of National Assembly? ध्यान से। Constitution of National Assembly। अभी चार झट गया से ठीक कर दो। अब आ गया। ना National Assembly के constitution के पीछे जरा देखो। इसने जो संविधान बनाया क्या बनाया, पहला क्या था? पहला था ये क्या, पावर्स, पावर्स इंस्टेड ऑफ किंग, पावर्स ऑफ किंग वाज रिड्यूस्ड, पहली क्या थी बोलिए, पावर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उससे ले ली गई राजा से और बाकी तीन को दे दी गई। सो पावर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, अमंग थ्री
इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब तीन संस्थान, जैसे कार्यकारी का इंस्टीट्यूट होता है जो कुछ काम करता है किसी चीज को देखो सकते, दैट इज लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हम लोग सिविक्स में पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखो सर, द पावर ऑफ लॉ मेकिंग वाज इन हैंड ऑफ नेशनल असेंबली। आप बोले दिया सर, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जुडिशरी के आने के बाद किंग की क्या पावर होगी? कुछ नहीं, वो तो नहीं, वो एग्जीक्यूटिव है जो आईएएस की पावर है। आईएएस का तो तुम जानते हो क्या हाल है, यहाँ से वहां तबादला, वहां से वहां, जरा सा चीं चूं किया तबादला नहीं जाता है। कोई नई सरकार आती है वो आईएएस को ही बदलती है, वो अपना बक्सा बांधे तैयार रहता है बेचारा, उसको क्या पावर कुछ होती है क्या? तो ये तो एग्जीक्यूटिव रह गया था, किंग वाज एग्जीक्यूटिव, जो वो बोले उस आदेश को मनवाना है। हाँ साहब क्या आदेश है, लेकिन आदेश देने वाला क्या नेशनल असेंबली हो गया। तो तीसरा पॉइंट क्या है, द पावर ऑफ लॉ मेकिंग केम इन हैंड ऑफ नेशनल असेंबली एंड द किंग वाज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वाज इंडिपेंडेंट। गुरुवा सही है, द पावर ऑफ लॉ मेकिंग, पावर ऑफ लॉ मेकिंग वाज इन hands of National Assembly King and its ministers, ये executive थे, उन्हें बस law मानवाना है, ministers were executive एंड जुडिशरी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड। जुडिशियल का भी सिलेक्शन नहीं होता था, जैसे आईएएस का सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पर भी जो जज है उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन वो इलेक्ट करते थे, फ्रांस की जनता इलेक्ट नहीं करती थी। एंड जुडिशरी वो किसी को उसे हटा नहीं सकता था, जुडिशरी वॉज इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड का मतलब उसका चुनाव करते थे 3 लाख लोग। अब जरा देखो इंडिपेंडेंटली का मतलब वही 3 लाख एक्टिव सिटीजन अलग से चुनते थे। जब तुम फ्लो चार्ट देखोगी ना जो कल बनवाया था, तो एक एक्टिव सिटीजन में एक लाइन जुडिशरी को जा रही है, तो वो बनाएंगे सॉरी 4 मिलियन का मतलब 40 लाख लोग अलग से जुडिशरी को चुनते थे, तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, राजा को कोई लेना देना, उसका अलग से चुनाव है, हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन वहाँ उनका भी चुनाव होता है। तो वो चाहे तो राजा को भी हटा सकती है, क्या राजा को उन्होंने गुलोटी नहीं किया था, इंडिपेंडेंट थी तो कर पाई। और चौथा सबसे बड़ी चीज, तो जो मेंबर्स ऑफ असेंबली थे दे वर द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ फ्रांस। वहां वही आएगा 745 लोग कौन थे बोलो, क्या वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोग थे? और कौन सी ऐसी चार चीजें नेशनल असेंबली ने लोगों को दी, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी, ये सब दे दी, राइट टू लिव, ये सब दे दिया। तो नेशनल असेंबली ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया कि नेशनल असेंबली हैज गिवन, ठीक है, इट हैज डिक्लेयर्ड राइट, कौन कौन से राइट, राइट टू लिव और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इंप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपिनियन ऐसे कह रहे हो, फ्रीडम ऑफ अपना विचार रखने का, और सिर्फ विचार ही नहीं रखो उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो, फ्रीडम और इक्वलिटी बिफोर लॉ।
ये नहीं कि किसी के लिए दूसरा कानून और किसी के लिए दूसरा सर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन लिखा है बुक में दिखाओ सर है ये सारा काम किया ठीक है और एक चीज क्या थी बताइए ये सारा काम किया नेशनल असेंबली के रूल तुमने समझ लिए अब आगे देखो कि हाउ कन्वेंशन अब आगे का हिस्ट्री शुरू होता है हाउ कन्वेंशन रिप्लेस्ड नेशनल असेंबली कैसे कन्वेंशन ने रिप्लेस कर दिया सर जैकोबिन क्लब वो तो अब जरा देख रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन क्लब सर देशद्रोह का जो सर वो सर, केस लगता है उसे क्या कहते हैं ट्रीजन कहते हैं इम्पीचमेंट देशद्रोह सो इम्पीचमेंट तो प्रोसेस महाभियोग होता है तो फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन क्लब अभी देख रहे हैं चलो जैकोबिन क्लब की स्थापना कैसे हुई कि रिप्लेस हो जाएगी 92 में अब यहाँ पर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आ जाएगा और वो लोगों को बुलेटिन के रख के नीचे रख रख के सबका सर काटेगा उसको रेन ऑफ टेरर कहेंगे क्या आतंक का साम्राज्य अब नेशनल असेंबली लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी एज इट वॉज थॉट दैट नेशनल असेंबली इज नॉट लुकिंग आफ्टर द कंसर्न ऑफ पुअर पीपल देखो नेशनल असेंबली लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी ऐसा तो हम क्वेश्चन में भी देख सके हैं तो द लोअर क्लास पीपल ऑफ थर्ड स्टेट हु हैव नो राइट टू वोट यहां तक उनको तो वोट का भी राइट नहीं था हु हैव नो राइट टू वोट इस राइट टू वोट तो नेशनल असेंबली ने सिर्फ 40 लाख लोगों को ही दिया था एक्टिव सिटीजन वो एक्टिव सिटीजन की बात भी नेशनल असेंबली ने कही है जो तुम्हारे बुक का चार्ट बना हुआ है वो जो अलग से चार्ट बना ना बुक में तो ये जो चार्ट है ये नेशनल असेंबली ने ही बनवाया मतलब पहली बार क्या हुआ था बताओ हाँ राजा किसी को वोटिंग करने देगा लेकिन फिर भी इसमें कमियां थी जो पूरी बात थी रूसो की या मॉन्टेस्क्यू की क्या वो सब बातें थी कि सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए क्या वो लोग छोटे लोगों के बारे में सोच रहे थे क्या क्या गरीब लोगों के बारे में सोच रहे थे तो ऐसे में जो गरीब लोग थे वो एक स्ट्रिप वाला पैजामा जो कि नी बीचर्स है नी तक आता था घुटनों तक नी बीचर्स कहते हैं उसे सेंट क्लूटोन्स कहते हैं इसे लोग क्या कहते हैं तो बड़ी टोपी लगाते थे चित्र बनाए बुक में सर लिबर्टी का रेड हैट है ना अब वो लिबर्टी वाला लगाया कि नहीं रेड तो नहीं लिखा उसमें रेड नहीं बना हुआ तो बना हुआ है क्या बना तो वो रेड हैट पहन के और एक स्ट्रिप कपड़े पहनते थे जो औरतें थी वो घेरीदार वो भी स्ट्रिप नहीं रहता सेंट क्लूटोन्स तो ये लोग क्या है चाय और कॉफी के क्लब में बातें करने लगे और ये किससे प्रभावित थे क्या मॉन्टेस्क्यू रूसो और लॉक से प्रभावित थे उनकी किताबों से कि भाई हमको भी अधिकार मिलने चाहिए so, हम पैसिव सिटीजन क्यों रहे पैसिव भी नहीं थे वो तो सिटीजन so, वो तो 70 लाखों से देखा तो उनको सिटीजन भी नहीं माना गया था तो ये लोग क्या करने लगे और उस समय एक बहुत बड़े संत थे सेंट जैकोबिन उन्होंने क्लब की स्थापना की ऐसे लोगों के लिए और सब लोग उसको ज्वाइन ही करने लगे सही है क्या रुमाल के सब अभी हम देखेंगे अब इसके बारे में थोड़ा लिखें कहीं से बुक से देख देख के तो अब यहाँ पर क्या हुआ दो नो राइट टू वोट द लोअर क्लास पीपल हु हैव नो राइट टू वोट स्टार्टेड डिस्कशन गवर्नमेंट पॉलिसीज अबाउट बहुत अच्छी बात है
गवर्नमेंट पॉलिसीज इन कॉफी क्लब एंड टी हाउसेस कैफे गवर्नमेंट पॉलिसीज इन जो टी क्लब तो उनके बारे में डिस्कस करने लगे. Even female started discussing. इतना ही नहीं था तभी तो वो भी सेंट प्लूटोन में आ गई. So, females की भी एक क्लब थी ना सर. अब जरा देखें इसको नोट कर दिया. सेंट जैकोबिन, सेंट जैकोबिन के बारे में बुक में लिखा है स्टार्टेड ए क्लब फॉर देम कॉल्ड जैकोबिन क्लब. कहाँ के थे? क्या वो सेंट जैकोबिन पेरिस के थे कि कहाँ के थे? ऑफ पेरिस था. ऑफ पेरिस स्टार्टेड अ क्लब, एक जैकोबिन क्लब. इसके लिए बताइए कि यहाँ आओ हमारे यहाँ बैठो बात करो. उनकी पत्रिका निकाली मैगजीन, उनके लिए मैगजीन भी छपने लग गई. उसमें सारी बातें होती थी कि लोअर क्लास को क्या क्या अधिकार मिले. फॉर देम या हमारे यहाँ बैठो एक कप चाय पियो और बातें करो. एक ठीक है जैकोबिन क्लब फॉर देम. ठीक है अब क्या होगा, पीपल्स ऑफ जैकोबिन क्लब वियर ए स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स. सो पीपल ऑफ जैकोबिन क्लब कैसी ड्रेस पहने जरा देख के बताओ. सर स्ट्रिप्ड पैंट्स पहनते थे और रेड हैट पहनते थे. वियर स्ट्रिप्ड पैंट्स, पैंट्स ही बोलेंगे और ये जो लेडीज पहने स्कर्ट्स भी लिख सकते हैं एंड स्कर्ट्स विद रेड हैट व्हिच शोड दे वर. और क्या था? रेड हैट एंड नेम दैट्स इन इट क्या आ गया. नी ब्रीचर्स वर्ड लिखा है बुक में जरा देखो. सर उनका सेंट क्लूटोस का मतलब होता है नी विदाउट ब्रीचेस. सेंट क्लूटोस का मतलब ब्रीचेस का क्या मतलब है? मतलब फीमेल रेड हैट नहीं पहनती थी ऐसा लग तो रहा है ग्रुप में भी लग रहा है. यस सर ये था सर जैकोबिन्स का दूसरा नाम था सैम क्लूटो. दीज वर आल्सो नोन एज ठीक है विद रेड हैट वियर्ड बाय मेल है ना वॉर्न बाय मेल. अब चला देखें दीज वर नोन एज सेंट क्लूटो. सभी हम देख रहे हैं नी ब्रीचर्स का क्या मतलब है. सर नी ब्रीचर्स वो पैंट अभी देख लेते हैं. These were known as sans culottes. Okay, sans culottes. तो ये क्या होते थे? Sir, which literally means? लिखा है, man wore addition red cap, जो लिबर्टी का प्रतीक होता था. Women are not allowed to wear so. अब It meaning is those without knee breeches. Saint Clutus का knee breeches का मैं मतलब देख लेता हूँ. Sir Saint Clutus कौन से language का word? अभी ये भी देख लेते हैं. Sir ये जो जैसे link में दिखाया गया है तलवार और बंदूक ही रखते थे. Excuse me. Saint Clutus etymology. क्या दिखाया गया बताओ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं रहेंगे बस वो लाठी हो सकती है. विदाउट ब्रीचेस
इसका मतलब है विदाउट ब्रीचेस। These radial particles do not wear pant, but instead refer to lower class status. What means without features? वही बता रहे हैं। Then इस बात का lower class in such songs pluto's became radical supporters and fighters for अभी भी पता नहीं चल पा रहा। Those without knee breeches, a particular kind of dress to proclaim the end of power, wear by knee breeches. सबसे पहले वो लोग यहाँ तक हाफ पैंट पहनते थे और जो नी को ब्रीच कर जाए वो नी ब्रीचर है। कहते हैं डोंट ब्रीच द लॉ, कानून का उल्लंघन ना करो। तो पहले ये हाफ पैंट पहनते थे जो वो लोग थे, कौन लोग थे, गुलाम लोग, ये लोअर कास्ट। उन्होंने कहा नहीं, हम तो पूरी पहनेंगे जो शान और शौकत की दूसरे लोग पहनते। तो नी ब्रीचर्स नहीं हो गया, उन्होंने उल्लंघन नहीं कर दिया अपनी पोशाक का। सो दीज वर नोन एज नी ब्रीचर्स, दैट दे आर नो मोर स्लेव्स। वो क्या इम्प्लाई करती थी कि अब और अधिक गुलाम नहीं रहेंगे। सो मीन्स नी ब्रीचर्स, इसका मतलब समझो ब्रीचर्स, नी ब्रीचर्स का क्या मतलब है कि वो अब दे आर नाउ नो मोर वियरिंग द पैंट्स, हाफ पैंट्स। नाउ विदाउट नी ब्रीचर्स, यानी नी ब्रीच नी तक ना पहन के पूरा। अब वो कैसा पहनेंगे बताइए, नी ब्रीच तक ना पहन करके। विदाउट नी ब्रीचर्स का मतलब है फुल पैंट, घुटने तक वाली नहीं, ये कैसे तक बताइए, फुल, ये फुल पैंट पहनते थे, अभी हाफ नहीं पहनते थे। दे डिक्लेयर दैट दे आर नाउ नो मोर स्लेव, दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जो कि वो रेड कैप ही पहन रहे हैं ना। अब इसमें क्या हुआ कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्प्रे ने इसे ज्वाइन कर लिया, वो भी एक लोअर क्लास का था जो कि सर्वेंट का लड़का था। नाउ मैक्सिमिलियन रॉबेस्प्रे जॉइंड दिस रॉबेस्पियरे जॉइंड दिस जैकोबिन क्लब, बिकेम द लीडर क्लब। And soon, अब इसके बाद क्या हुआ, soon gained popularity, उसको धीरे धीरे लोग जानने लगे, gained popularity, क्योंकि वो विरोधी था first and second state का। अब आगे देखिए कि Jacobin planned an insurrection of large number of Parisians who were angered। इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी बात है, तुम क्या समझते हो ऐसे ही वहां वो हो गया। दैट इज फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसने क्या किया कि ट्यूलरी के महल में आक्रमण कर दिया, इसको पता चल गया था कि राजा वहीं छिपा है, उससे बंदी ट्यूलरी में गया था, तो ये अपने सपोर्टर के साथ अटैक कर दिया। सपोर्ट मॉर्निंग फोर, सही है। सो कब इसने अटैक कर दिया, 10 अगस्त की मॉर्निंग को, ठीक है, वो इतना जरूरी नहीं, फिर भी लिख दें कि प्राइजेस हाई थे तो दे सराउंडेड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, रहता था, क्या रीजन हो इसको, इसी राजा को उसने ट्यूलरीज, हमने बताया लुई 14 तक कहाँ रहे, बोलो ट्यूलरीज में रहे, 15, 16, 17, 18 चार तक और हुए, वो सब वर्सलीज में रहे। तो अब राजा का तो महल वही है, हो सकता है किसी रीजन से गया हूँ, तो इसने वही अटैक किया, वही पकड़ लिया। सर जब राजा नहीं था तो ट्रेजरी एम्प्टी नहीं थी ना, मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि ट्रेजरी एम्प्टी, क्योंकि वो हमने बताया उस समय ईरा ऑफ मिलिटराइजेशन था, ईरा ऑफ कॉलोनाइजेशन था, तो इस वजह से बहुत पैसा रखता था, सब जगह सेना बनानी पड़ती थी, कॉलोनी बनानी पड़ती थी,
क्योंकि उस समय मॉडर्नाइजेशन आ चुका था, सबको कच्चा माल चाहिए था, सबको रुई चाहिए था, सबको कोयला, जिससे कि टी शर्ट बना बना के बेच सकें। बात समझ आए कि नहीं? तो इन सब चीज़ों की वजह से उस समय खर्चे बहुत बड़े बढ़ गए थे यूरोप के। फ्रेंच की, डच की, स्पेन की, सबकी कॉलोनी। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे ना कि उपनिवेशवाद, तो भारत में उपनिवेशवाद में सबके जहाज आए। ये बात अलग है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ने भेजी थी, सबके जहाज रस्ते में पानी में डुबो देती, आने नहीं देती, वही डुबो देती। इसलिए सिर्फ चार आए थे, पोर्टुगीज, ब्रिटिश, डच। लड़ाई होती थी समुद्र में बड़ी भयंकर। तो अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या किया बताओ? अटैक्ड ऑन, अटैक्ड ऑन 1792, 10 अगस्त 1792, ऑन पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। ठीक है, और किसको बंदी बना लिया? सर, राजा और राजा की रानी। ठीक है, ट्यूलरीज, एंड मैसेकर द किंग्स गार्ड, राजा के संतरी का कत्ल कर दिया गया, एंड अरेस्टेड द रॉयल फैमिली। अरेस्टेड रॉयल फैमिली, कब ऐसा इसने किया? इलेक्शंस वर हेल्ड एंड एवरीबॉडी रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट स्टेट। 21 साल से ऊपर सब वोट किए सर, रिगार्ड इलेक्शंस वर हेल्ड, चुनाव हुए, एवरीबडी, जिसने कोई तीन दिन का वेतन देता हो, टैक्स देता हो ना देता हो, सबको वोटिंग, एवरीबडी अबव 21 इयर्स। इसमें स्त्रियां शायद नहीं होंगी, देखो जरा, ऐसा तो बहुत अभी बात है, एक्सक्लूडिंग वुमेन। सर, उस समय तक वुमेन्स को सिटीजन से नहीं माना गया था, वुमेन को सिटीजन नहीं माना जाता था, बहुत सारे देशों में नहीं हुआ था। सर, रॉबर्टसफियर के टाइम पे सर सिटीजन वोट है, इलेक्शन सेट में वोट किया गया, एंड बोलो जैकोबिन सत्ता में आ गए क्या? है सर, एंड जैकोबिन्स फॉर्म द गवर्नमेंट नेम्ड कन्वेंशन, एंड जैकोबिन ने क्या किया सर? नेम्ड द गवर्नमेंट नोन एज कन्वेंशन, फॉर्म्ड गवर्नमेंट। तो तुमने ये पूछा था ना कि कैसे इसकी गवर्नमेंट, लोगों का चुना व्यक्ति पहुंचा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर पहले राजा रानी हुआ करते थे, राणा प्रताप, राजा के बेटे, तो उसमें और मोदी में अंतर नहीं समझते? एक चुना हुआ व्यक्ति पहुंच जाए टॉप पे और एक राजा का बेटा पहुंच जाए, दोनों में फर्क नहीं है। तो कन्वेंशन उसमें मूलभूत अंतर क्या, बेसिक या फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? ये चुना हुआ गया ना, तो इट इज नोन एज फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, फ्रांस का पहला गणतंत्र। ठीक है, इट इज नोन एज फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, जी नोन एज फर्स्ट रिपब्लिक। तीन रिपब्लिक बताई जाएगी इस चैप्टर में, लेकिन अभी फर्स्ट पर है, फर्स्ट अभी बताई जाएगी, दो टेंथ में बताई जाएगी, तीन। पहला कब बताया बताओ? 1792, अगला 1830 में बताया जाएगा, और 1870, वो दोनों टेंथ में पढ़ना, फर्स्ट तक अभी पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। अब ये जैसे ही बना, इसने क्या किया, 4-6 महीने के अंदर राजा को सर रखवाया, ऊपर से तलवार गिरती थी और खट से कट कर देती थी, बहुत ऊपर से सर, बुलेटिन की मशीन। और जब वो उछल के दूर गिरती थी तो लोग ताली बजाते थे, जब गर्दन थी ना, गर्दन पे गिरती थी, बहुत बड़ी तलवार थी, वजन की 100 किलो की तलवार, सर वो रेलिंग में गिरती थी, जब वो छोड़ा जाता था उसका लॉक निकलता रहने, और ये दूर गिरता था, वहां बकेट लिए लोग खड़े देते थे। तो इस तरीके से ये उससे 1 साल पहले ही गुलोटिन का आविष्कार किया था, जिसने गुलोटिन का आविष्कार किया था उसको नोबेल प्राइज मिला था, डॉक्टर गुलोटिन, 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 और सबसे ज्यादा गुलोटिन फ्रांस में ही हुए, इस मशीन का इस्तेमाल करता था उसे। सर, उसे ट्रीजन के सर लोगों ने मारा गया था ना, सर देशद्रोही, सर लोगों ने लुई 16 का ट्रीजन बोल कहते हैं देशद्रोही, सिटी के बीच में सजाया। अब ये देखो, तो इसने क्या किया, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो अब ये क्या हो गया कि द
कन्वेंशन हो गया एंड दिस मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम द हेड ऑफ फ्रांस। सर लोगों ने लुई 16 का सर सिटी के बीच में सजाया था। इसके बाद क्या हुआ? अट्रैक्शन। नाउ दिस इज फर्स्ट रिपब्लिक बन गया एंड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम एंड मैक्सिमिलियन became head of France, मुखिया बन गया head of France। अभी भी फ्रांस में चांसलर होते हैं, चांसलर बन गया वहां, ठीक है। अब चूंकि ज्यूडिशरी अलग थी तो लुई 16 followed by वाइट was guillotined for the charges of treason। लुई 16 फॉलोड, उसी समय उसकी पत्नी को नहीं मारा गया, फॉलोड बाई हिज वाइफ वर गुलोटिंग। कब गुलोटिंग किए गए? 93 में, पन्ने के थोड़े दिनों बाद। देखो अगस्त है और इसने कब गुलोटिंग किया? जनवरी में। उनको 6 महीने जिंदा रखा वर गुलोटिंग फॉर द चार्जेस ऑफ ट्रीजन। देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया, चार्जेस ऑफ ट्रीजन ऑन जनवरी 21 को किया। ही हैज, उसने ट्रायल, जो जानते हो कोर्ट में ट्रायल होता, ट्रायल्ड मैनी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफिशियल्स इन trialed in court and in a group they were guillotined. Even they who condemned Maximilian Robespierre were guillotined. एक ने कहा, एक उनका बहुत बड़ा वो था, that is writer, उसने कहा महाशय Robespierre आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, बताओ ये कोई रिपब्लिक है? और ऐसा जॉन पॉल मारक, उसका चित्र भी बना तुम्हारी बुक में, एक राइटर था, थिंकर था, आप ऐसा ठीक नहीं कर रहे, ये भी भला कोई बात है? आप गुलोटिन कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, हजार हजार लोगों को बुला बुला के गुलोटिन कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है? उसने उसको भी गुलोटिन कर, राइटर तक को गुलोटिन कर दिया, जो उसके खिलाफ गया तो गुलोटिन। स्ट्रिक्ट रूल एंड पनिशमेंट। देखो ही हैज ट्रायल्ड मेनी पर्सन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, क्लर्जी को भी कर दिया। ये कोई बात होती है कि आप एक साथ कर लें? नफरत थोड़ी निकालनी हुआ, नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के पर्सन कैड किया, accused them and guillotined। सो अगर वो गिल्टी थे तभी करता था ना, एंड चार्ज देम विद गिल्टी, कोर्ट को भी मिला दिया था, चार्ज देम विद गिल्टी एंड गुलोटिन। समझ में आ गई बात की? इवन ही गुलोटिन हिज अपोजर्स, जो उसका अपोज करते थे, सो उसके मेंबर, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को भी कर दे रहा था। हाँ, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को भी, द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब हु अपोज्ड हिम। अब इसने ये जो किया इस पीरियड को, फ्रॉम 1793 से इसने गुलोटिन की कहानी शुरू की थी और इसने फिर उसे खत्म नहीं की 94 तक। सो इट वॉज बिटवीन 1793 टू 1794 ऐसा हुआ। इट इज कॉल्ड रेन ऑफ टेरर, आतंक का साम्राज्य। वो कई सवाल है, 3 नंबर का आता है। इट वॉज कॉल्ड रेन, रेन का क्या मतलब होता है? साम्राज्य, रेन ऑफ टेरर। अंततः कोर्ट ने उसका भी ट्रायल कर दिया, उसी को गुलोटिन कर दिया। लास्टली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज ट्रायल 94 में, इसका ट्रायल कर दिया गया एंड वाज गुलोटिन, फाउंड गिल्टी गुलोटिन।
सर इसने स्लेवरी को अबॉलिश कब की थी? स्लेवरी अबॉलिश करने की बात नेशनल असेंबली ने की थी, लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने उसे नहीं किया। नो सर, सर नेशनल असेंबली ने नहीं की थी, सर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने की थी। चलो इसमें देख लेते हैं, अगर अभी देख लेते हैं। सर नेशनल असेंबली की एरिस्टोक्रेट पीपल की थी ना, तो उन्होंने भी नहीं किया था। अभी देखो बिल्कुल पता चल जाएगा। अभी बता देते, देखो नाउ when slavery was abolished by Maximilian Robespierre. Sir, completely. अभी पता चल जाएगा. Was made legal through the British Empire. So. Sir, फिर बाद में गुलेटिन illegal हो गया था. Slavery abolished. Maximilian Robespierre के बारे में बताने. क्योंकि वो खुद एक सर्वेंट का बेटा था, अभी देख लेते हैं। फर्स्ट इलेक्शन अंडर द फर्स्ट रिपब्लिक अंडर 4 February 1919 इलेक्टेड। अब हु अबॉलिश्ड दिए तो भी नहीं लिख रहा है। व्हेन डिड रॉबेस्पियर, इसी ने किया है। 4th फरवरी पर इसने लिया है, अबॉलिश कर दिया 94 में। 1994 में सर सब तेरी तरह तो नहीं गिराएंगे, नहीं बस दिखाएंगे कैसा लगता है। भगवान ने उसको दिखाया कि मेरे एक कैसा ये हुआ था, फिर रॉबेस्पियर को गुस्सा होगा, उधर भी बुलेटिन की मशीन बनी और जिसने उसे बुलेटिन के उसने ऊपर ही उसे बुलेटिन कर दिया। जो विश्व के 1000 इन्वेंशन है उसमें से एक क्या है, ग्लूटेन भी है। ये ग्लूटेन कैसा दिखता है सर? आपका चार्जर गिनने वाला थे, मेरी उंगली का चार्जर बचा लिया ना। सर सब कब हुआ था बताइए। 19 अब हम लोग 17 में जाए ना। सबसे बड़ा स्लेव ट्रेड डच ने किया था, 17 नहीं ग्लूटेन देना है। तो 18 मतलब कैसे कुछ चार्ज नहीं हो रहा वो फोन यहां पे नहीं जा रहा। 1785 तक तो 94 है, 93 से ग्लूटेन देख लेना। सर एक साल पहले हुआ था ये देखो भाई यही पर ही होगा। तो that is 1791 gas lighting। ये देखो ग्लूटेन ऐसे होती थी, बहुत बड़ी मशीन होती थी, चार मंजिल की आशा रखा जाता था, इसमें निकाल देते थे।
यही है, तीन मंजिल ऊंची लकड़ी है, यहाँ आदमी लेटता था और ये सब से गिरती थी गर्ती यहाँ पे नीचे लगा थी। देखो फूल बह जाता था यहाँ से गिर जाता था। सर आपको फोन चार्ज नहीं, स्विच ऑन रोटी में क्या होता है इसका सर आप दे देते यहाँ से जी बोल रहे हैं ये मारने के लिए था सर, मैं भी देखना है ये देखो, इस ये आदमी के बैठने के लिए यहाँ पे ये देखो यहाँ बैठता था ये और सर उधर रख देते थे उल्टा करके ऊपर से गिरती थी। सर जो क्या नाम है इसको, जोसेफ इग्नेट्स बुलेटिन, जोसेफ इग्नेस गुलोटिन, ये ऐसा इसको इस आदमी को लिटा देते हैं। ये जी सेवन है बेहारी बात, ये देखिए ऐसा था गुलोटिन, इट वाज गुलोटिन। आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे आदमी लेटा रहता था यहाँ पे और ऊपर से ब्लेड गिरती थी। सर लोग सर इसमें भी बोलते थे कि वो पहले जाएंगे क्योंकि सर जब लास्ट में जाएंगे तो ब्लेड थोड़ी ब्लंट हो जाएगी तो बार बार गिराना गिराना पड़ेगा। इतना ही रखो आज क्लास नहीं। सर सबसे कब से कब तक है वो देख लीजिए, अभी देख लेते हैं।